एमसीयू के फेज 5 की लास्ट मूवी थंडरबोल्ट्स होने वाली है और फैंस को इस मूवी से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब तक इसका टीजर ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ। और खासकर हमें ये बंदा नहीं दिखा, इसका नाम है बॉब, पर एक्चुअली में ये सेंट्री है। इसे आप मार्वल का सुपरमैन कह सकते हैं, बस यहाँ डिफरेंस है ओरिजिन स्टोरी का। आई मीन इसकी ओरिजिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ इसका विलन है कोई और नहीं ये खुद ही है। और जिसके पास मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है वो कितना खतरनाक विलन हो सकता है ये आप समझ ही सकते हैं। आज हम ना सिर्फ इसकी कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी जानेंगे बल्कि आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी में इसका क्या रोल है और इसकी कौन सी स्टोरी वहाँ पर दिखाई जाएगी, इन सब पे भी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या एमसीयू में इसे एज ए हीरो दिखाया जाएगा या एज ए विलन, क्योंकि ये करेक्टर दोनों ही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रॉबर्ट रेनॉल्ड आखिर सेंट्री कैसे बना। तो एक्चुअली कॉमिक्स में अमेरिकन गवर्नमेंट है प्रोग्राम रीबर्थ को दोबारा शुरू करती है। ये वही प्रोग्राम है जिसमें स्टीव रोजर को सुपर सोल्जर सीरम दी गई और उसे कैप्टन अमेरिका बनाया गया। अब जब इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया गया तो इसका टारगेट था कि सुपर सोल्जर सीरम को 100 गुना ज्यादा पावरफुल बनाया जाए, जहां काफी टाइम तक इसमें कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। पर कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट एक गोल्डन सेंट्री सीरम बना लेता है जो ओरिजिनल सुपर सोल्जर सीरम से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ये सीरम अनटेस्टेड होती है। जहाँ एक दिन रॉबर्ट रेनॉल्ड नाम का एक लड़का इसे गलती से अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उसे मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर मिल जाती है और वो बनता है सेंट्री। अब काश ये स्टोरी इतनी सिंपल होती, क्योंकि रॉबर्ट रेनॉल्ड को एक्चुअली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है सेम मून नाइट की तरह, जिससे रॉबर्ट रेनॉल्ड की तीन पर्सनैलिटी बन जाती है। पहली तो ऑब्वियसली रॉबर्ट रेनॉल्ड, दूसरी सेंट्री जो कि एक सुपर हीरो है, और थर्ड द वॉइड। ये एक्चुअली में एक खतरनाक विलन है। इवन कॉमिक्स में इसने लाखों लोगों को कुछ ही सेकंड में मारा हुआ है और शहरों के शहर है ये तबाह कर चुका है। अगर अब स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए तो एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस्टर फैंटास्टिक सेंट्री की मेमोरीज को इरेज कर देते हैं, क्योंकि द वॉइड किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, जिसके बाद कई सालों तक रेनॉल्ड को ये याद ही नहीं रहता कि वो एक्चुअली में सेंट्री है, जिससे उसकी सेंट्री और वॉइड वाली पर्सनैलिटी कभी भी बाहर नहीं आती। तो एक्चुअली जहाँ पर सेंट्री एक बहुत पावरफुल हीरो है, उसकी कई गुना खतरनाक उसकी थर्ड पर्सनैलिटी द वॉइड है, जहाँ ये मल्टीपल पर्सनैलिटी का खेल है और मेंटल स्टेबिलिटी इस करेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है। और इसी चीज का यूज किया जाएगा आने वाली थंडरबोल्ट मूवी में, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि द वॉइड मेन विलन होगा इस मूवी का, जिसको हैंडल करने का काम है थंडरबोल्ट्स टीम को मिलेगा। वैलेंटीना की कंपनी एक्चुअली सुपर सोल्जर सीरम पर एक्सपेरिमेंट करेगी, जिस दौरान ही वो इस बॉब पर इस सीरम का टेस्ट करेगी और इसे सेंट्री बनाएगी। पर इसकी मल्टीपल पर्सनैलिटी के चलते सेंट्री के साथ द वॉइड भी आ जाएगा, जिसको कंट्रोल करना वायल के बस में नहीं रहेगा और इसीलिए थंडरबोल्ट्स को असेंबल किया जा रहा है। हालांकि लीक फुटेज से हमें ये पता है कि सेंट्री अपनी कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिखेगा, तो मूवी का मेन प्लॉट है या सेंट्री पर ही फोकस करेगा। आई मीन वो विलन की तरह तो दिखेगा ही, पर उसे एज ए सुपर हीरो भी स्टेब्लिश कर दिया जाएगा। साथ ही इस मूवी में कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है जो सेंट्री को कंट्रोल कर पाए, तो आई थिंक सेंट्री यहाँ पूरी तरह से थंडरबोल्ट्स की तरफ होगा और मे बी सेंट्री ही हेल्प करे उसकी थर्ड पर्सनैलिटी को हैंडल करने में। साथ ही हमने जैसा ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बात की कि थंडरबोल्ट्स की टीम है इवेंचुअली डार्क अवेंजर बनेगी, तो ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सेंट्री इस मूवी के बाद भी हमें आगे दिखेगा या फिर उसे इस मूवी के साथ ही साइड कर दिया जाएगा। आई मीन जितना पावरफुल सेंट्री है तो वो जहां और जिस भी फाइट में दिखेगा उसे वन साइडेड कर देगा, और अगर वो डार्क अवेंजर्स का मेंबर बनता है तो आने वाले बड़े इवेंट्स में उसके दिखने के चांसेस हाई हो जाएंगे, यानी फिर मार्वल को ना चाहते हुए भी सेंट्री को दिखाना पड़ेगा। तो मे भी शायद मूवी के एंड में सेंट्री के साथ इक्रिस वाला सीन कर दिया जाए, आई मीन उसे एक ओपन एंडिंग टाइप दिया जाए जहां करेक्टर मरा भी ना हो और उसके रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी जिंदा हो, सेम है जैसे हाल ही में स्कारलेट विच के साथ किया। अब ये सब होगा या नहीं ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, पर ये चीज कन्फर्म है कि अगर सेंट्री को कंट्रोल करना है तो हल्क या थोर जैसे करेक्टर को यहाँ जरूर आना पड़ेगा।